अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। लोग देख रहे होंगे ये कमरे में बहुत सारे शूज निकाले हुए हैं, कपड़े निकाले हुए हैं। तो आज हमारा अचानक प्लान बन गया है कि हम लाहौर जा रहे हैं। तो अब लाहौर जाना है तो उसके लिए पैकिंग तो लाजमी है। और मैंने ये व्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट किया है, लाइक अभी कोई शाम के 6 बज रहे हैं। सारा दिन टाइम ही नहीं मिला, कभी कुछ कर लो कभी कुछ कर लो। सुबह का प्लान बना हुआ था बस, फिर अभी सबने अपनी पैकिंग तकरीबन डन कर ली हुई है, मेरी और बिलाल की अभी रहती है। तो लें जी, मैंने अपने कपड़े निकाल के यहाँ पर सारे तैयार कर लिए हुए हैं। ये बिलाल के कम इसलिए हैं क्योंकि बिलाल के अभी आयरन होने के लिए कपड़े गए हुए हैं, अभी वो आए नहीं हैं। ये बनियान, वो मेरे स्ट्रॉलर, सॉक्स, ये एक बैग रखा है जिसमें कुछ बिस्किट्स वगैरह और चार्जर वगैरह आ जाएंगे। ये रहे मेरे और बिलाल के शूज़, इनमें से हमें भी डिसाइड करेंगे कि कौन से लेके जाने हैं, या ये नहीं लेके जाने, कोई और लेके जाने हैं। अभी इसमें से डिसाइड कुछ भी नहीं है। ये मैंने बिस्किट्स वगैरह कुछ निकाल के रख लिए हैं, निम्को वगैरह भी मैंने निकालनी है। और बैग मैंने अपने लिए ये डिसाइड कर लिया है, मुझे इतने बहुत बड़े बड़े बैग पसंद नहीं है। वैसे तो मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन मैं कम यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा मेकअप निकाल लिया जी, थोड़ा सा एक परफ्यूम, मेरी बिलाल की वॉच, अभी ब्रश एक इसलिए है क्योंकि ये एक न्यू मंगवाया था और कल आज ही मंगवाया, हाँ आज ही यहाँ पे पड़ा हुआ था बस, तो मैंने कहा दूसरा भी लेकर रखती हूँ। बिलाल का चश्मा, ये शैम्पू, बॉडी वॉश, और ये रोज़ वाटर बिलाल को लाजमी चाहिए होता है, तो मैंने छोटी वाली बॉटल निकाल ली। तो बस जी, ये चीज़ें सब की सब मैंने निकाल के यहाँ पर रख ली हुई हैं, अभी इनको पैक करना है। लेकिन उससे पहले हमें बाज़ार जाना है, थोड़ा सा सामान लेना है और सैलून भी जाना है। तो बस पहले सैलून से हो आते हैं, उसके बाद आके ये सब करते हैं जी पैक। ये मैडम लगी हुई हैं तकरीबन दिन के 12 बजे से, और अभी तक इन मैडम की पैकिंग डन ही नहीं हुई। अभी तक ये डिसाइड कर रही हैं कौन सा ब्रश रखना है, और मैं आधे घंटे में सब कुछ करके भी आ गई हूँ। बाज़ार से हम हो आए हैं, शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, शूज़ वगैरह लेने थे, शूज़ वगैरह ले लिए। उसके बाद मैंने वॉच वगैरह लेनी थी, वो सब तो मेरा हो गया, सैलून से भी हम होके आ गए। लेकिन आप बाज़ार जाओ और कुछ खाओ ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारे पास इतना टाइम तो था नहीं, इसलिए मैंने अपना और बिलाल का लिया अंडे वाला बर्गर। अच्छा, आप जितने मर्जी खा लो भाई जिंगर, जितने मर्जी खा लो जिंगर, लेकिन जो इनका लेवल है ना, जिंगर क्रॉस नहीं कर सकता वो। तो सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद ये देखें सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है, पैकिंग सब करनी है अभी। तो पहले इसको ख़त्म करते हैं फटाफट से, उसके बाद पैकिंग करते हैं। अच्छा जी, खाना वगैरह मैंने खा लिया है, तो अब सबसे पहले करते हैं ये कि ये जो बिस्किट्स हैं इनको किसी डिब्बे में पैक करते हैं, वरना ऐसे तो ये सारे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, फिर कोई खाएगा भी नहीं। तो सबसे पहले इनको किसी डिब्बे में डालते हैं, डिब्बा ढूंढते हैं कौन सा डिब्बा लिया जाए। यही वाला खाली कर लेती हूँ मैं। ये लें जी बिस्किट वगैरह मैंने इसमें सारे रख लिए, इस डिब्बे को आप डालेंगे बिलाल के बैग में, ये जाएगा इसमें। बिस्किट रख दिए, उसके बाद जी बिलाल के बैग में जाएंगे शैम्पू और ये बॉडी वॉश वगैरह, ये भी जाएंगे बिलाल के बैग में। तो इनको भी एक शॉपर में पैक करते हैं और इनको भी उसी में रख देते हैं। ये मैंने शॉपर में डाले तो मुझे याद आया टूथब्रश तो मैंने रखे ही नहीं, तो सबसे पहले ये लेते हैं और दूसरा ब्रश लेके उसको भी इसके अंदर रखते हैं। एक और चीज़, ये मुझे ब्रश वगैरह उठाते हुए याद आया कि मैंने तो फेस वॉश भी नहीं रखा है, तो इसको भी रखते हैं और सबको बाद में फिर बैग में पैक करते हैं। अच्छा जी, वो सब तो हो गया, उसके बाद बारी आती है ये मेकअप की। मेकअप बॉक्स को बंद करते हैं, एक सेकेंड जी, मेकअप बॉक्स को भी बंद किया, ये भी बिल्कुल रेडी है। उसके बाद ये मेरी चूड़ियाँ मैं पहन लूँगी, बिलाल की वॉच, परफ्यूम वगैरह, और ये चश्मा, ये तीनों भी इसके साथ ही रखेंगे। उसके बाद रह जाता है जी वो शूज़ रखना और कपड़े रखना, तो इसके लिए बैग लेने चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें रखती हूँ मैं अपने कपड़े, उसके बाद बिलाल के रखते हैं, अभी कॉस बिलाल के अभी कपड़े आए नहीं हैं, वो लेने गए हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने रख लेती हूँ, मेरे कपड़े इसमें आ जाएंगे, बिलाल के आ जाएंगे क्या? देखते हैं किस 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 में फुटे आते हैं, अभी तो बहुत सामान है। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ मेरे कपड़े ही इसमें आए,
और इतनी इतनी जगह बची बस साइड पे, बिलाल के कपड़े, हमारे शूज़, मेरा मेकअप, वो सब कहाँ आएगा? तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी इसमें सब कुछ रखने के लिए। ये नहीं जी, ये आ गया मेरा मेकअप बॉक्स, ये आ गया स्टॉलर, बनियान वगैरह, और ये बिलाल के कपड़े उठा के रख देते हैं ऊपर। अब जो बिलाल के और ड्रेसेस आएंगे वो भी इसके ऊपर रखेंगे और इस बैग को बंद कर देंगे। बाकी जो हमारे शूज़ हैं वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसको ऐसे ही ना शॉपर बैग में डाल देते हैं और ऐसे ही डिग्गी में रख लेंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, बिकॉज अभी बहुत से काम है, फिर मैं व्लॉग को एडिट नहीं कर पाऊँगी, पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।